एफएम 100 सुनने वालों को इमली का सलाम। हेलो, कौन बात कर रहा है? ओ शीला, कराची से। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप? नच मिजाजन, इब्राहिम हक का नच मिजाजन। तो लीजिए सुनिए आप अपना पसंदीदा गीत और कॉल करते रहिए आप अपने पसंदीदा होस्ट इमली को। इमली, इनसे मिलो, मिस आसमा तुम्हारे शहर से बिलोंग करती है। ओ आई सी, नाइस टू मीट यू। इसे हमारे रेडियो स्टेशन के मालकान ने तुम्हें असिस्ट करने के लिए रखा है। वेरी गुड, अच्छा है, मेरा लोड भी कुछ कम हो जाएगा। कहाँ ठहरी हुई हो तुम? अभी तो सिर्फ नौकरी मिली है। रेडियो एफएम 100 सुनने वालों को इमली का सलाम। हेलो, कौन बात कर रहा है? ओ शीला, कराची से। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप? नच मिजाजन, इब्राहिम हक का नच मिजाजन। तो लीजिए सुनिए आप अपना पसंदीदा गीत और कॉल करते रहिए आप अपने पसंदीदा होस्ट इमली को। इमली, इनसे मिलो, मिस आसमा तुम्हारे शहर से बिलोंग करती है। ओ आई सी, नाइस टू मीट यू। इसे हमारे रेडियो स्टेशन के मालकान ने तुम्हें असिस्ट करने के लिए रखा है। वेरी गुड, अच्छा है, मेरा लोड भी कुछ कम हो जाएगा। कहाँ ठहरी हुई हो तुम? अभी तो सिर्फ नौकरी मिली है। सर छुपाने को जगह भी मिल जाएगी? मिल जाएगी, समझो कि मिल गई। मैं रंधावा गेस्ट हाउस में ठहरी हुई हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। इसका मेरे और तुम्हारे अखराजात भी डिवाइड हो जाएंगे। अगर आपको तकलीफ ना हो तो। तकलीफ कैसी? खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगी अनाउंसर दो। रिहाज का मसला तो हल हो गया, तो फिर कल से क्यों? आज से शुरू कर दो। असल में मैं अपनी सहेली से गाड़ी लेकर आई थी, गाड़ी वापस करके कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगी। एज यू विश, थैंक यू। हेलो, कौन बात कर रहा है? इस्लामाबाद से सना। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप? मैडम नूरजहां का कोई भी पंजाबी सॉन्ग। लीजिए आप सुनिए अपना पसंदीदा गीत और कॉल करते रहिए अपनी होस्ट इमली को। वाह, क्या मजा आएगा जब इसी तरह लोग मेरी आवाज सुन रहे होंगे। क्रेडिट कार्ड की सहूलत मौजूद है यहाँ? जी 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 हाँ। तो फिर ये लो और टैंक फुल कर दो। अभी ये लो।
जलील कमीने, तुमने मेरी इज्जत लूटने के लिए दरवाजा लॉक किया। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। कड़ी की चाबी दो। बता रहा था कि तुम्हारी गाड़ी की पिछली सीट के नीचे कोई है। ओह थैंक गॉड। नाजू के साथ कपड़े पहनकर तो नहीं सोया जा सकता। अबे इसका मतलब तूने तूने फिर यह गंदा है। तेरी तो अबे यार क्या कर रहा है यार लज्जा गंदा। रंधावा गेस्ट हाउस का ये कमरा तुम्हारे नहीं मेरे नाम पे विकी, और वैसे भी तुम मेरे खर्चे पे आईटी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो। ओ बे ओ गलाजत के टोकरे, एक तो रात भर तेरी खराटों की वजह से मुझे हेडफोन लगाकर सोना पड़ता है, और दूसरी सुबह सुबह तेरी बकवास सोने से बेहतर है कि मैं अखबार पढ़ लूं। और मुझे भी सारी रात जागने के बाद। अबे जा। बेटी में तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। अखबार पढ़ा है बेड के नीचे और मैं चला वॉशरूम। जाना अबे चलता काम करो। अबे यार क्या कर रहा है यार, छोड़ यार, ये तो तुझे क्या हो जाता है यार, छोड़। अबे रुमिल देख देख, अब अबे तू तो सीरियस हो गया मेरा। नहीं नहीं यार, देख 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 देख, अब कौन तेरा बत्ती से दिखा है, बत्ती से दिखा। चल छप जा। अबे जाना जा। आसमान का साला ये बात का गया। अब समुंदर खान, तुम गेट छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नसवार गोश्त बनवाते हैं ना जी, तुमको भी खिलाएगा। बकवास बंद करो और रंधावा साहब के कमरे में बैठे इंस्पेक्टर को चाय देकर आओ। अभी चाय लेके आता खेड़ी साहब। खेड़ी नहीं, खेड़ा साहब। तेरा नाम शेरू खेड़ा है, खेड़ी कहकर अपने पांव की जूती बनाना चाहते हो उल्लू के पछे? चाय लेकर आओ।
मेरा इस लांटी का बात मानना पड़ेगा, चाय देकर आना पड़ेगा। मेरी गुलबानू, हम अभी चाय देकर आते हैं। मेरी जानू, मेरी बुलबुल, तुम हमारा इंतजार करो। है उस प्रेस रिपोर्टर रोमाना पत्र में हत्या की इज्जत का दावा करूंगा जिसने आसमा मर्डर केस में मेरे इस गेस्ट हाउस को मुंसलिक करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। हाँ तो इंस्पेक्टर, फिलहाल तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझसे मजीद क्या चाहते हो। रोमाना को खबर देने वाली रेडियो अनाउंसर मिस इमली, मैंने उसे बुलवाया है, तुम चाय पियो। कोई प्रॉब्लम रंधावा साहब? प्रॉब्लम रंधावा साहब को नहीं, कानून को है। तुम्हें आसमा मर्डर केस में मेरे साथ चलना होगा मिस इमली। इंस्पेक्टर साहब, देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इमली का इस मर्डर केस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बेगुनाह है। फिर तो तुम गुनाहगार हुए ना? सर मैं गुनाहगार नहीं हूँ, दरअसल बात ये कि तुम अपने काम से काम रखो। मिस्टर मेरे साथ थाने चलो। मैं जाने से पहले अपने रेडियो के मालिक से फोन पे बात करना चाहती हूँ। क्यों, मेरी वर्दी उतरवानी है? जो कुछ करना है बाद में कर लेना, फिलहाल मेरे साथ थाने चलो। चलो सर, मेरी बात तो सुनिए। सर सर कौन हो तुम? पेशे के एतबार से तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है राकिब उर्फ रॉकी। छोड़ दो इसे और असल कातिल को तलाश करो। ओके सर। हाय विकी, आई मीन पकार खान। आई थिंक आप जैसे ईमानदार अफसरों की वजह से ही पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है। मैं कोई अफसर नहीं हूं विकी। आप जो भी हैं मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बन के आए। रेडियो अनाउंसर आरजोर्फ इमली। नाइस टू मीट यू। बाय द वे मिस्टर रॉकी, रॉकी, मिस्टर रॉकी, आप रहते कहाँ हैं? मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन इस गेस्ट हाउस में रहने का इरादा रखता हूँ। ओह, तब तो मजा आएगा। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। अब तो तुम मेरे दिल में रहोगे। के गेस्ट हाउस में ठहरूंगा। अब तो तुम मेरे दिल में रहोगे, सिर्फ मेरे दिल में रहोगे।
तू आई लर लकी ग्रेट। कुल लड़कियों की कोई कमी नहीं होती, पैसे को तिनके किताब फेंकता हूं और लड़की यूं चली आती है। स्वीटी भी इतनी पागल नहीं कि तुम्हारे एक फोन पर लाहौर से यहाँ चली आए। छोड़ इमली, कैसी हो? फाइन। ओ विकी, कैसे यार, फिटफाट है? एंड हु इज ही? रॉकी। ओह लकी, नाइस टू मीट यू। आई यार विकी, कहीं तुमने फोन करके तो स्वीटी के लाहौर से नहीं बुलाया? बस शराब यार, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तेरे नाम से फोन करके कॉल कर बुलाने की? चुप बैठ। तो क्या मैं पागल हूँ जो बिना वजह लाहौर से यहाँ चली आई? गुस्सा क्यों करती डार्लिंग? अगर मेरे किसी गरीब दोस्त ने तुम्हें फोन करके यहाँ बुला ही लिया तो तुम्हारे रहने खाने पीने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। थैंक यू। हाय, यू वेलकम। वैसे इमली, सुना है पुलिस तुम्हें किसी मर्डर केस में गिरफ्तार करने आई थी? मैंने अपनी सहेली प्रेस रिपोर्टर रुमाना को सिर्फ ये इत्तला दी थी कि वो लड़की मेरे साथ रेडियो ज्वाइन करने वाली, और पुलिस उल्टा इन्हीं को ही मर्डर समझ बैठी। हाय एवरीबॉडी, रुमाना हमारे गेस्ट हाउस के रंदावा साहब तुम पे बहुत खफा हो रहे थे, लेकिन क्यों? तुमने आसमा मर्डर केस हम हाइस गेस्ट हाउस से जोड़ दिए, अब रंदावा साहब तुम्हें कभी यहाँ नहीं आने देंगे। तुम ठीक कहती हो इमली, अगर मैं चाहूं तो तुम पर हाथा की इज्जत का दावा कर सकता हूं मिस रिपोर्टर, लेकिन तुम्हारी यही सजा है कि आज के बाद तुम मेरे गेस्ट हाउस में कदम मत रखना, समझी तुम? मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे इस भूत बंगले में आने की जहां मैं भटकती हूं। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? जाओ अपने कदमों में। जवानी मेरी हो
रहा है। तुम यहां क्यों आई हो? देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैंने तुम्हें लाहौर से यहां फोन करके नहीं बुलाया। Come on, sweet. Oh. इतनी बेरुखी, लगता है गुर्बत के बादलों ने तुम्हें इस सोसाइटी गर्ल की पहचान भुला दी है। देखो, ओह, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं और मुझे मजीद परेशान मत करो। चली जाओ यहां से। I said go away. तुम्हारी परेशानी की वजह मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी परेशानी यह है कि लकी इस टाइम गेस्ट हाउस में नहीं है। तो तुम मुझे अपने दोस्त की गाड़ी में एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हो। गेस्ट हाउस वाले का गुस्सा हम पे मत उतारिए, उसने वाकई ज्यादती की आपके साथ। तो अगर आप भूत बंगले की कहानी जरा डिटेल से बता दे तो। वो कहानी नहीं, हकीकत है मिस्टर। रॉकी नाम है मेरा। दरअसल एक हकीकत के साथ 100 अफसाने जोड़ देते हैं आप जैसे लोग। महाराजा वीएस की कहानी मनगढ़ंत की अफसाना होती तो सारे कदीमा वाले उसके महल के निशानात को महफूज ना करते। By the way, कहां है महाराजा वीएस का महल? यह है महाराजा विक्रम सिंह के मरोसी महल के निशानात। इसी महाराजा के दादा ने क्यामे पाकिस्तान से कबल बनाया था। क्यामे पाकिस्तान के बाद उनका सारा खानदान इंडिया चला गया, मगर महाराजा विक्रम सिंह यही रहने लगा। जुबा रंधावा का बाप महाराजा विक्रम सिंह का मुंशी था। ये सब तुम कैसे जानती हो? ये सब मैंने अपने बाप से सुना था, क्योंकि वो भी जनरस थे। Oh, I see. महाराजा के खानदान के खात्मे के बाद जुबा रंधावा उसकी याशिका का मालिक बन बैठा और उसे रंधावा गेस्ट हाउस का नाम दे दिया। अब भी रंधावा गेस्ट हाउस में आने वालों ने महाराजा की भटकती हुई रूह को आवाजें देते हुए सुना है। क्या आप रूहों पर यकीन रखती हैं? ऑफ कोर्स। अगर मेरे अंदर महाराजा की रूह आ जाए और आपको पकड़ ले। अपने आप में रहो रॉकी, मैं आजाद ख्याल जरूर हूं, मगर इतनी भी नहीं कि अपनी इज्जत गवा बैठू। गुड बाय। अरे रुमाना, अरे सुनो तो। लिसन मैडम, पिछले 1 घंटे से तुम एयरपोर्ट जाने के बजाय मुझे इधर उधर घुमा रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे जख्मी दिल पे मैं प्यार का मरहम रखना चाहती हूँ। जैमिट, ये रटे रटाए जुमले तुम न जाने अपने कितने कस्टमर से बोल चुकी हो। इस शहर में कस्टमर की कमी नहीं है स्वीट हार्ट। अगर मुझे वापस जाना होता तो गेस्ट हाउस से अपना सामान लेकर ना आती। जहन्नुम में जाऊं, मगर मुझे छुट्टी दे दो। अब देखो स्वीटी, देखो चाबी वापस कर दो। स्वीटी,
छुट्टी नहीं देनी, नहीं देनी मैं छुट्टी नहीं देनी, मैं छुट्टी नहीं देनी, नहीं देनी मैं छुट्टी नहीं देनी। तुझे कह चुदिया एक बार, क्या हफ्ता क्या इतवार, मैं छुट्टी नहीं देनी, नहीं देनी मैं छुट्टी नहीं देनी, मैं छुट्टी नहीं देनी, नहीं देनी मैं छुट्टी नहीं देनी। मुझे अपनी गन दे दो। उसे अगर तुमको अपना गन देगा तो खुद क्या करेगी? देखो खान मुझे अपनी गन दे दो वरना स्वीटी वहां मर्डर हो जाएगी। ओए तुम्हारे मगज में बट्टा, हम इधर चौकीदार है, पुलिस वाला नहीं है। पुलिस स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है और मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, मुझे अपनी गन दे दो। वो टेरर से हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं ना यार। आ जाओ
मेरा यकीन करो खान, स्वीटी को इसी दरख्त के साथ हैंग किया गया था और मुझसे फायरिंग भी यहीं से हुई थी। ओए तुम्हारा आँख खुल गया, समंदर खान के मगज में बैठा जो तुम जैसे बंदे की बात पे यकीन किया। दे दो हमारा बंदूक, खाने खराब हमारा टाइम बर्बाद किया। खाने खराब का बच्ची, स्वीटी का मर्डर तुम्हारे दिमाग की पैदावार भी तो हो सकती है विकी। कभी कभी इंसान टेंशन में वो बातें भी सोचने लगता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होती। ओहो रॉकी, मेरा यकीन करो, मैंने स्वीटी को ट्रक के साथ अपनी आंखों से हैंग होते देखा। फिर तो यकीनन स्वीटी का मर्डर भी उसी पेट्रोल पंप वाले हकले ने किया होगा। लो भाई, वो पेट्रोल पंप वाला हकला ही आसमा का कातिल निकल आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। अगर हकला गिरफ्तार हो गया तो स्वीटी का मर्डर किसने किया? यानी स्वीटी का भी मर्डर हो गया। वेरी गुड, प्रेस रिपोर्टर रोमाना की कहानी आखिर सच साबित हो रही है। मुझे तो लगता है इस गेस्ट हाउस में महाराजा की रूह फिर रही है। वो गॉड सेक लकी, ये एक सीरियस मैटर है, मजाक मत उड़ाओ। मजाक तो वो तुम्हारा उड़ा रही है। अरे अहमक यार, नहीं दो दफा मरने का ड्रामा रचाकर मुझे जा लाकर चूना लगा चुकी वो। अब तुम बचो, तुम्हारे पास उसे देने को तो कुछ भी नहीं है। अरे यार तुम इसे समझाओ, प्लीज समझाओ, स्वीटी का सामान उसके कमरे में पड़ा हुआ है। वो यकीनन किसी कस्टमर के साथ बुक होकर गई होगी। समझ नहीं आ रही यार, आजकल इसे मर्डर क्यों दिखाई दे रहे हैं? अबे अंकल के अंदर लाइट ऑफ कर यार। अबे खलीज आदमी बता तो दिया करके तू यहां गन डाल रहा है, अब मैं इस वक्त आधी रात को कहां जाऊं? बेटा मेरी मजबूरी है इस कमरे में रहना तेरे साथ, वरना तू जिस गंदे आदमी के साथ। ये हेडफोन कहां गया? अभी ये साउंड इफेक्ट्स तो मत कर, ये काम खामोशी में भी हो सकता है। अगर कॉलेज जाने का नाम मोटर बाइक पर वन व्हीलिंग रेस खेलना है तो आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। अब बस भी कर दीजिए ना विकी, अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, बाप से बड़ा नहीं हो सकता। बेगम तुम्हारे बेटे की जमानत के लिए मुझे 20 लाख रुपए रिश्वत देना पड़ी, वरना पुलिस इन पर मर्डर चार्ज लगाकर सारी जिंदगी के लिए अंदर कर देती। ओ, तो गोया आपको अपने बेटे की नहीं अपने पैसों की परवाह है। क्यों ना हो, आखिर मेरे खून पसीने की कमाई जो है। तो फिर रखिए अपने खून पसीने की कमाई अपने पास, मैं खुद कमाकर अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा आपको। बरखुरदार, कहने और करने में बहुत फर्क है। नहीं डैडी, मैं मरता मर जाऊंगा मगर आपकी इस चौखट पर दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। चलो रूमी। रुक जाओ विकी, बेटा बेटा घर छोड़कर जा रहा है और आप। जाने दो इसे, अगर ये तुम्हारी ममता की आंचल से बंधा रहा तो एक ना एक दिन तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जलील करवाएगा। हिसाब किताब दोस्तों में नहीं गैरों में किए जाते, और आप पहले गैर नहीं है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि आपसे मिलने वाले आपसे इतनी जल्दी इंस्पायर कैसे हो जाते हैं, जैसा कि हमारे अखबार के एडिटर साहब। छोड़िए उन्हें, आपके सामने और कोई अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो राज क्या है जिससे आप पर्दा उठाने वाले थे? ऑफ द रिकॉर्ड, स्वीटी जो रंधावा गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी कल रात से गायब है। क्या आप कोई CID वाले तो नहीं? नहीं, तेरे नैना ने
मेरा चैन और करार छीन कर मुझे खुद भुला दिया है कि मैं कौन हूं। यार पितरस, तुझे कितनी मर्तबा कहा कि देख के चला करो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। बाबू अब क्या है? तुम्हें पता है कि मरने के कितने दिनों बाद लाश बू छोड़ती है? तुम क्यों पूछ रहे हो? असल में बाथरूम से बू बहुत आती है। तो अच्छी तरह से फरनाइल और तेजाब इस्तेमाल किया करो, आई समझ? लाश की बू मिटाने के लिए या बाथरूम के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारे सर के लिए। स्टूपिड, इश्क ने ऐसे मुश्क का रूप इख्तियार कर लिया कि जनाब हर वक्त बंद कमरे में कामा सूत्र की किताब पढ़ने लगे। By the way, तुम कौन से इश्क की बात कर रही हो? अच्छा, तुम इतने प्ले बॉय हो कि लड़कियों के नाम तक याद नहीं। Mind your tongue, मैं इतना भी चीप नहीं हूँ कि हर हरी हरी लड़की को मुंह लगाता फिरूं। अच्छा तो फिर चाइनीज रेस्टोरेंट में तुम प्रेस रिपोर्टर मानक साहब क्या कर रहे थे? वो मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है, और अब ये ना पूछना कि मेरा प्रोफेशन क्या है। इसका मतलब तुम उससे प्यार नहीं करते? मैं सिर्फ अपने काम से प्यार करता हूँ। जी ओशुजादे, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं बिन पिए शराबन हो गई। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, कोई आंखों से पिलाए कोई खराबी नहीं। हेलो, ये कौन कबाब में हड्डी? कबाब के साथ शराब नहीं, शराब के साथ शबाब मिला करते उर्मी। कुल कुल सी आवाज बता रही है कि शबाब बेहिसाब है। आप एक मरतबा जैसे मुलाकात तो बशीर। मैं बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगा मेरी जान। बस आप यूं समझे मैं आपके बगल में हूँ। हेलो गुडी, घर जा रही हो? जी विकी साहब। साहब जी, आज आपके कमरे में आपके दोस्त ने फिर तूफान मचा रखा है। ओ मेरे खुदाया, क्या करूं, ना चाहते हुए भी मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है गुडी। मगर ये गुड्डा हमको बर्दाश्त नहीं करता विका साहब। देखो समुंदर खान, अगर आज भी तुमने मुझे तंग किया ना, तो मैं रंधावा साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगी और वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। यार रंधावा साहब के लिए नहीं, हम तुम्हारी खातिर नौकरी करते हैं मेरा बुलबुल, क्यों नहीं समझते? खान खान खान, ये तुम्हारा बस का बात नहीं है, ये ट्राई करने में तो अरज नहीं है। तौबा तौबा, अबे लाइट नहीं जलाना। अच्छा अच्छा, नहीं जलाता लाइट, नहीं जलाता, तू कर जो तुझे करना है। अबे खलीज आदमी, अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल कर ले। स्टूपिड, ऐसे बेटा रूमी, तुझे एड्स लगे ही लगे। अबे ये काम खामोशी से नहीं कर सकता तू? तेरी सांसों से देखकर लगता है कि ये अब तेरे बस की बात नहीं है। ऐसे तू फिक्र ना कर, कल तुझे हकीम साहब के पास लेकर जाऊंगा। ले बेटा रूमी, हम तो चले सोने हेडफोन लगा के, और तू कर जो तुझे करना है। Mm-hmm.
जाना सुबह। सब मिल जाएगा। ये सब कैसे हुआ? हम तो सब अपने अपने कमरों में सोए हुए थे कि पुलिस ने गेस्ट हाउस को घेरे में ले लिया और हम सबको कमरों से बाहर निकाल दिया और अभी तक सब कमरों की तलाशी ली जा रही है। विकी कहाँ है? यार वो गेस्ट हाउस के मालिक रंधावा साहब की कमरे। अगर तुमने आवाजें सुनी थी तो लाइट क्यों नहीं जलाई? लाइट जलाने की वजह से मेरा पहले भी रूमी से झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैंने रिस्क लिया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई नहीं आया? फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो लड़की ही थी? मरने वाले की बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है मेरा दोस्त अभी था लड़की शराब उसकी। समंदर खान का बयान था कि न उसे कोई लड़की अंदर आते देखी और न ही कोई लड़की बाहर जाते देखी। इसका मतलब है कि कातिल या कातला गेस्ट हाउस के अंदर ही है। ये कत्ल नहीं है इंस्पेक्टर, वो लड़का जब से गेस्ट हाउस में आया है अपने कमरे में ही बंद रहता था। जिंदगी से मायूस रूमी ने खुदकुशी की है। ओहो रंधावा साहब, ये आप कैसी बातें करें? अगर रूमी ने खुदकुशी की होती तो दीवार पर ये किसने लिखा कि अच्छा वाला लाइट जलाई? ये भी तो हो सकता है कि खुदकुशी से पहले लिखा हो। मैंने इंस्पेक्टर से अलग-अलग में कुछ बातें करनी है, तुम जा सकते हो। ओके। विकी, रूमी के मरने का बहुत अफसोस हुआ। बस यार, जो अल्लाह को मंजूर। तुम्हें पता ही नहीं चला कि उसका कत्ल हो रहा है? रंधावा साहब तो उसका कत्ल मान ही नहीं रहे। हाँ, मैंने भी एक पुलिस वाले से सुना है कि रूमी ने खुदकुशी की है। वे, खुदकुशी? समंदर खान के मगज में बटा। समंदर खान, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में दर्द तो नसवे रखे ना, सब ऐसे ठीक हो गए ऐसे। क्या रॉकी, मैं कुछ वक्त तन्हाई में गुजारना चाहता हूँ। I hope you don't mind. Okay. गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें भी सरदर्द की गोली देती हूँ। आओ। ये लो। थैंक यू। देखो विकी, मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? तुमने तो कहा था कि तुम आसमा को नहीं जानते। तो फिर ये क्या है?
ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? मैं लाहौर गई थी तुम्हारे कॉलेज, वहीं से मिली है। और ये भी पता चला है कि तुम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। आसमा का कत्ल, फिर स्वीटी का गायब होना, और अब तुम्हारी दोस्त का कत्ल, मुझे तो ये कोई सीरियल किलिंग लगती है। हो ना हो, कातिल का अगला निशाना तुम, ये गेस्ट हाउस का कोई दूसरा फर्द भी हो सकता है। प्लीज रोमाना, मैं आगे रूनी की मौत से टूट फूट गया हूँ, मेरे जख्मों को मजीद मत कुरेदो। मुझे इस वक्त सहारे की जरूरत है। मैं तो खुद तुम्हें अपना सहारा समझ बैठी हूँ। चाहत
खान को पैसों का लालच देकर मास्टर की हासिल ना करते तो आज हम शेरुखेड़ा के कमरे में नहीं घुस सकते थे। लेकिन तुम्हें उसी पे क्यों शक है? इसलिए पुलिस रिपोर्ट में लिखा हुआ है रोमी के मर्डर वाली रात शेरुखेड़ा अपने घर गया था। हाँ हुआ कि तुम बोल पड़े, वरना शेरू खेड़ा समझकर तुम पर टंडों की बरसात कर देता। लेकिन क्यों, तुम्हारी शेरू खेड़ा से क्या दुश्मनी है? वही जो तुम्हारी है, असल कातिल की तलाश, जिसमें मैं और तुम कामयाब हो चुके हैं। यानी कि शेरू खेड़ा ही सीरियल किलिंग का मुजरिम है? लेकिन इसका सबूत? सबूत? सबूत मैं दिखाता हूं, आओ मेरे साथ। ये देखो, खेड़ा ही मेरे दोस्त रूमी का कातिल है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विकी, विकी मेरी बात सुनो। विकी रुक जाओ, रुक जाओ। विकी, विकी रुक जाओ। विकी, विकी, विकी मेरी बात सुनो। इजाजत तूफान भी नहीं आ सकता। ये दिन के कैसे आ गए? तुझे अपनी नींद सुलाने के लिए, यू सीरियल किलर। इससे पहले कि कोई मेरा मर्डर करे, मैं तुम सबका मर्डर कर दूंगा, सबका। वे समंदर खान के मगज में बैठा। इमरी साहब का कमरा तो इधर या मधुर किधर जाती है? क्या है? सुबह सुबह मुर्गे की तरह डिस्टर्ब किए जा रहे हो। ओए बीबी जी, इधर खून खराब है। अरे इधर तुम डिस्टर्ब हो रहे। छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो इसे। ओए मैंने रंधावा साहब को फोन कर दिया। खेड़ी से? खेड़ी नहीं, खेड़ा। ओए आज रंधावा साहब को इन दोनों की लाशें मिलेगी। छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। अगर तुम लोग ये चाहते हो कि पुलिस यहाँ पे ना आए तो चुपचाप मेरे ऑफिस में आ जाओ। लेकिन रंधावा साहब, शेरू खेड़ा विक्की के दोस्त रूबी का कातिल है। रूबी का कातिल विक्की भी तो हो सकता है। विक्की के कलेक्टर के बारे में मुझे कुछ शवाहद मिले हैं, मेरे ऑफिस आ जाओ। एक
एक तो तुम चोरी छुपे खानसामा के कमरे में घुसते हो और फिर उस पर कत्ल का इल्जाम भी लगाते हो। रंधावा साहब, जिस नायलॉन की रस्सी से मेरे दोस्त रूमी का गला दबाया गया वो रस्सी इसके कमरे से मिली, इसके कमरे से, और तो और वो कुल्हाड़ी और वो मोटा रस्सा भी इसी के। रंधावा साहब, कुल्हाड़ी, रस्सा और रस्सी मेरे काम के जुमरे में आती है। अक्सर बड़े जानवर के गोश्त को स्टोर करने के लिए मैं रस्सी से बांध के। मैं सब समझता हूं मिस्टर शेरू, क्या मैं इनसे अलादगी में बात कर सकता हूं? जी बेहतर। मिस्टर विकी, मुझे कल ही पता चला है कि आप पर एक संगीन जुर्म का मुकदमा भी चला था। हाँ, लेकिन वो मुकदमा बाद में खत्म हो गया था। हम अपने गेस्ट हाउस में किसी क्रिमिनल को रिहाइश नहीं देते। कल तक तुम ये गेस्ट हाउस खाली कर दो। लेकिन नदाव साहब, मेरी बात, नो आर्गुमेंट्स। मिस रुमाना, मैंने आपको वार्निंग दी थी लेकिन अब बाद नहीं आई। आज के बाद आप अपने नाम के साथ प्रेस रिपोर्टर लगाना छोड़ दें। ऐसा करने का इख्तियार आपको नहीं, मेरे अखबार के मालिक को है। तुम्हारे अखबार के मालिक ने तुम्हें एक घंटा पहले ब्लैकलिस्ट करके नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अब तुम जा सकती हो। आई हेट यू, तुम बहुत बड़े इज्जत हो। हाँ तो मिस्टर रॉकी, मेरे गेस्ट हाउस के रजिस्टर में लिखे हुए आपके गवाह के अलावा मैं ये जानना चाहूंगा कि आप यहां किस सिलसिले में आए हैं और क्यों आए हैं। आपके सब सवालात का जवाब मेरे इस कार्ड पर मौजूद है। रंधावा किस जुर्म की बात कर रहा था और तुमने उसके सामने एक बाली जुर्म क्यों किया? इसलिए कि मुझसे जुर्म हुआ था। और कुछ पूछना चाहती हो मुझसे? मैंने तो तुम्हें एक शरीफ लड़का समझ के प्यार किया था, लेकिन तुम तो क्रिमिनल निकले। आई हेट क्रिमिनल, नफरत करती हूँ मैं तुम जैसे मुजरिमों से, नफरत करती हूँ। मैं जानती थी हमारा बेटा अपने माँ बाप के आने की खबर सुनकर सामान समेत दौड़ता चलाएगा। नहीं माँ, मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। किसमें इतनी जरूरत है जो तुम्हें यहाँ से निकाल सके? मैं अभी यह गेस्ट हाउस खरीद कर तुम्हारे नाम कर देता हूँ। नहीं डैडी, अब वैसे भी मेरा इस गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगता, क्योंकि मेरे दोस्त रूमी का मर्डर भी इसी गेस्ट हाउस में हुआ है और पुलिस इस मर्डर को खुदकुशी करार दे चुकी है। हाँ बेटे, मुझे पता चला, इसीलिए तो दौड़ी चली आई कि अब रूमी के जरिए तुम तक खर्चा नहीं पहुंचा पाऊंगी। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, अगर तुम चाहो तो रूमी के केस की तहकीकात। नहीं डैडी, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं हार गया हूं डैडी, आप जीत गए। आप ठीक कहते थे, बेटा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, बाप से बड़ा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा बच्चा, चलो बेगम आओ। Oh, my God.
मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपनी बेटी को तो घर वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी रूह इसी शहर में है। नहीं मम्मी। हाँ विकी बेटा, अगर तुम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करके ही घर वापस आना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारे लिए 5-स्टार होटल में कमरा बुक करवा देता हूँ। हाँ बेटा जाओ, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी। के बेटा टेक केयर, बेटा टेक केयर। अब रात के बज गए 12 मुंडे।
माफ कर दो विक्की, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना। दरअसल मम्मी के मरने के बाद डैडी ही मेरे लिए सब कुछ थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं जर्नलिस्ट बनी। लेकिन एक दिन राह चलते हुए उन्हें किसी मुजरिम ने अपनी गोली का निशाना बना लिया। यकीनन उन्होंने किसी बड़ी शख्सियत को बेनकाब किया होगा, इसीलिए उनका मर्डर हुआ। तब से लेकर आज तक मुझे मुजरिमों से सख्त नफरत है। मैं कोई आदमी मुजरिम नहीं हूं रुमाना, लेकिन एक हादसे ने मेरा नाम मुजरिमों की लिस्ट में लिख दिया था। जो हुआ उससे भूल जाओ, मैं तुम्हारे जख्म को रेदना नहीं चाहती। लेकिन तुम्हें बताने से मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा ना। कॉलेज के दिनों में मुझ जैसे अमीर वालदैन के लड़के और लड़कियां अपनी मोटरसाइकिलों पर रोड ब्लॉक करके वन व्हीलिंग रेस लगाया करते थे। लेने वाले तमाम लड़के अपनी अपनी मोटर बाइक वहां स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाएं। हेलो गाइस, ओके, सब लड़कों ने 10-10,000 रुपए जमा करा दिए हैं और जीतने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम मिलेगा। अच्छा हुआ हमें शिकस्त दिलाने वाली खुद ही मर गई। विक्की, पुलिस आ गई, चलो भागो, जल्दी करो यार। डैडी ने किसी ना किसी तरह से मेरी और रूमी की जमानत करवा के केस तो खत्म करवा दिया, मगर मेरे और डैडी के झगड़े ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज उसी केस की वजह से मुझे गेस्ट हाउस से निकाला गया
कल को कहीं उसी केस की वजह से आईटी कॉलेज से ना निकाला जाऊं, यही सोचकर परेशान हो जाता हूं। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां अपनी झोली में डालकर दरिया में बहा दूंगी। यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वही कातिल है। लेकिन परेशान मत हो, हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि तुम्हारे साथ ड्रामा करेंगे। रॉकी, कभी कभी ड्रामे भी हकीकत बन जाते हैं, तो मानो या ना मानो, लेकिन ये वही काला चस्तर है जो वो कातिल पहनता है। हाँ यार, ये वही चस्तर है, मुझे स्वीटी ने बताया था। स्वीटी मर चुकी है। तो फिर उसकी रूह ने मुझे फोन करके बताया होगा। लीव इट यार, लकी यहाँ पर वन मिलिंग रेस अरेंज कर रहा है और सुना है कि तुम उसके पुराने खिलाड़ी हो। हाँ, लेकिन मौत के इस खेल में अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। उसके बाद मैंने एक पार्टी भी रखी है, उसमें तो आओगे ना, और अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेना। देखूंगा। ये ऐसे क्यों हो गया रॉकी? मैंने तो सोचा था इसके डैडी के साथ सुलह होने के बाद ये पुराने से विकी हो जाएगा, मगर इसकी थिंकिंग तो अभी भी मिडिल क्लास जैसी है। कहाँ हो तुम? रॉकी, इमली, मैं यहां मस्ती करने नहीं आया, मैं वो पैकेट लेने आया हूं जिसकी इत्तला तुमने मुझे फोन कर दी थी। उस पैकेट में ऐसी क्या चीज है जिसे तुम मेरे प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो? उस पैकेट में मेरे जीने का मकसद है। तुमने उसे खोलकर पढ़ा सुनी? सुवंदर खान को रिश्वत देकर रंधावा साहब के ऑफिस से मैंने वो पैकेट गैर जरूर को आया था, लेकिन पढ़ा नहीं। अगर तुम कहते हो तो पढ़ लेती। तुम्हारी जिंदगी में इमली का नाम है भी ही नहीं। तुमने जो मेरे लिए काम किया उसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। थैंक यू। मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं, प्यार चाहिए। लेकिन क्यों? I love you.
तुझसे यारा हर सोच जपे यारा नकली का मोती तुझे देख के चमके जैसे सुबह का तारा चूड़ा खिलाती थी और हमारा गुड्डा हमको गोश्त खिलाता और हाँ समुंदर खान वो भी गेस्ट हाउस की किचन से चुरा के और वो मेरा बिल्कुल वो मेरा चुनचुन जल्दी से खाना खा लो ये ना हो कि रंधावा साहब या खेरा इधर आ जाए वो हेरा खेरा लानती का तो खैर है हेरा रंधावा साहब जो ना वो उससे भी बड़ा लानती है लो रंधावा साहब आ गए तुम्हारे इश्क की वजह से मेरी भी नौकरी जाएगी यार तुम्हारे इश्क में हमारा जान दो पे लगा है तुमको नौकरी का पड़ा तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा क्या साल बदनाम हो रहा है जाओ जो गेट पे पमा करे खा जी जाओ यहाँ से जाते ना जी क्या मुसीबत है अल्लाह करके तुम्हारा गुड्डा तुमको बोटिया खिला रहा था रंधावा साहब का चीखे वो चलो देखते है भाई तुम्हारे मगज में बैठा उधर पार्किंग में जाएगा तो फिर उसका बातें सुनना पड़ेगा चलो दफा करो येरा टाइम भी बहुत हो गया है समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम मेरे अखबारों में से निकालना क्या चाहती हो वो सबूत जिससे मैं शेरू खेड़ा की असलियत को अपने अखबार के मालकान को बताकर अपनी नौकरी बहाल करवा सकती हूँ What nonsense! आखिर तुम क्यों रंधावा गेस्ट हाउस के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हो तुम्हारी जर्द साफत की वजह से मुझे पहले भी कई केस भुगतने पड़े हैं शेरू खेड़ा विक्रम सिंह का पोता है या नहीं अखबार को इसे कुछ लेना देना नहीं अखबार तो कौमों में जज्बा पैदा करने का सबब बनते हैं सर उन कौमों में जो नींद से जागना चाहे उन्हें नहीं जो जागते हुए सोने का ड्रामा करें तुम लोगों को जगाना चाहती हो तो बुराइयों के खिलाफ लिखो जैसे आजकल ये अमीरों के लड़के मोटर बाइक पे वन व्हीलिंग रेस खेलते हुए अपने माँ बाप का सरमाया और माँ बाप का सहारा दोनों छीन लेते हैं
की जैसे बड़े बाप के बेटे की पार्टी मिस नहीं करोगे। By the way, लकी है कहाँ? यही तो पैसे वालों के खेल है, सब लोग उसके पैसों से एंजॉय कर रहे हैं और सिरे से गायब है। तो फिर ये जश्न कौन मना रहे? वही जिसे हम स्टूडेंट समझते रहे और वो करोड़पति बाप का बेटा निकला, विकी। बुला ले सारे, आजा बुला ले सारे।
लम्हा लम्हा बोझिल बोझिल दिल हो गया पागल पागल बेगम बेगम शाम कहाँ चल शाम कहाँ चल आ मेरे पास आसन आज बुला ले सारे आ मेरे पास आसन आज बुला ले सारे आजा बुला ले सारे हम लम्हा लम्हा बोझिल बोझिल दिल हो गया पागल पागल लम्हा लम्हा बोझिल बोझिल दिल हो गया पागल पागल बस करो रॉकी और मत पियो पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे और तुम कौन होती हो मुझे मना करने वाली मैं कौन होती हूँ दो टक्के की रेडियो अनाउंसर अपने औकात दे रहो ये जहर अपने दोस्त विक्की के रकीब बनने पर उगर रहे हो या रुमाना की बेवफाई पे तुम वाकई पागल हो सही लिखा था जब बारन दावा की रिपोर्ट में आज के बाद मैं तुमसे नफरत करूंगी नफरत तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने वो पैकेट खोलकर पढ़ा था समझे तुम दो दिन से रंधावा साहब अपने घर नहीं पहुंचे तो इसमें हमारा क्या कसूर है खेड़ी से खेड़ी नहीं घेरा तुमने ही रंधावा साहब की तैयार करदा रिपोर्ट बदली थी ना ये हम पे तोहमत है खेड़ी से खेड़ी गुडी तुमने खुद ही तो बताया था समुंदर खान कि तुम्हें किसी ने पैसे दिए थे माफ करना खेड़ी साहब बाबा आदम से लेकर हम तक जब भी मर्द को मरवाया एक औरत ने मरवाया किसके कहने पर रिपोर्ट बदली थी वो रेडियो वाली मिस इमली डेविड 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 ये लाइट को क्या प्रॉब्लम होगी कहां मर गए ये सब लोग परेशान होने का ड्रामा मत करो इमली परेशान तो मैं हुआ था जब मुझे ये पता चला कि समुंदर खान को पैसे देकर रंधावा साहब की तैयार करता रिपोर्ट तुमने बदलवाई थी तुमने परेशान तो मैं हुआ था कि जब मैं डेविड से तुम्हारे किरदार के बारे में पूछने आया तो वो मरा हुआ था परेशान तो रंधावा साहब के घर वाले हैं जिन्हें ना तो दो दिन से किडनैपर का फोन आया और ना ही उन्हें रंधावा साहब की लाश मिली है रंधावा साहब जिंदा हैं या मर गए हैं इमली शेरू तुम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो इन सब मर्डर के पीछे मेरा हाथ है अब तो साबित हो चुका है मिस इमली बस पुलिस को तुम्हारा बयान दिलवाना बाकी है कि इन मर्डर्स के बाद तुमने खुदकुशी कर ली नहीं इन सब मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ है प्रेस रिपोर्टर रुमाना ठीक कहती थी परसों पहले अपने खानदान को मारकर खुदकुशी करने वाले
महाराजा के बच जाने वाले बच्चे हो तुम। मैं तो बच गया था, लेकिन तुम नहीं बचोगी, तुम नहीं बचोगी। नहीं, नहीं। विक्की, विक्की, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। सुनते ही जल्दी से चले गए। अमेरिका? Thank you.
तुम यह क्या कह रहे हो? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो तुम्हारी यह हालत बता रही है कि तुम रात भर किसी से जंग करते रहे हो। रॉकी, रात उस सीरियल किलर ने मुझ पर भी हमला किया था। ये तो मेरी गाड़ी है जो मैं रात रेडियो स्टेशन पर छोड़ा था। गाड़ी चलाने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोमाना है। रोमाना, विकी तुम जिंदा हो? तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए था? विकी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कल रात जब मैं होटल के वॉशरूम से वापस आई तो मेरे मोबाइल पे इमली की कॉल थी, और जब मुझे ये पता चला कि तुम कॉल सुनते ही भाग गए हो तो मैंने सोचा जरूर कोई गड़बड़ है। और जब मैं इमली के रेडियो स्टेशन गई तो वहां तुम्हारी गाड़ी खड़ी थी, लेकिन जब मैं अंदर गई तो वहां एक टेक्नीशियन के अलावा शेरू खेड़ा की भी लाश पड़ी हुई थी। क्या, शेरू खेड़ा की लाश? लेकिन शेरू खेड़ा ही तो इमली को मारने की कोशिश कर रहा था, और ये बात इमली ने मुझे खुद फोन पर बताई। मोबाइल पे इमली की लाइव पिक्चर दिखाई दे रही थी। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी के साथ मिलकर ड्रामा कर रही हो। ये नामुमकिन है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने उस जस्टर वाले किलर ने इमली को मार डाला था। क्या, मेरी दोस्त मर गई? Oh my God! ओ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये क्या बच्चों की तरह कहानियों की कड़ियां मिला रहे हो? उसे फोन करके क्यों नहीं देखते? अगर उसे फोन उठा लिया तो वो ड्रामा कर रही थी। मेरा ख्याल है पुलिस स्टेशन चल के किसी बड़े अफसर से बात करते हैं, ताकि वो विकी की हालत देखकर किसी को कातिल समझे। तुम उसे फोन क्यों नहीं करती? ला मुझे दो फोन, मैं फोन करता हूँ। तेरे काले करतूत छुप जाते थे, लेकिन आज दिन के उजाले ने तेरी आंखों पर पड़ी मोहब्बत की पट्टी उतार फेंकी है। ये सारे मर्डर तूने किए, तूने। कि तुम क्या कह रहे हो विकी? हाँ, मैंने। हाँ, इस लाश के साथ पड़ा हुआ ये चेस्टर इस बात की दलील है कि तू इस लाश को ठिकाने लगाने जा रही थी। कि तुम क्या कह रहे हो विकी? लाश तो तुम्हारी गाड़ी में से बरामद हुई है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओके बस, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विकी छोड़ो से, इसे सफाई का मौका दे दो। अब सफाई के लिए रह क्या गया रॉकी? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हट जा। विकी छोड़ो से, तुम्हारा तो भाग जाओ, इसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, तो भाग जाओ। छोड़ दे मुझे रॉकी, छोड़ दे, मैं कहता हूं छोड़ दे मुझे, हट जा। Thank you.
तुम यहां क्या करने आए हो? मैं तो यहां कातिल का पीछा करते करते पहुंचा हूं, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। लेकिन यहां से इतनी बदबू क्यों आ रही है? बदबू नहीं, खुशबू आ रही है। इसमें क्या? पीछे रो। इसीलिए पूछता था तू ना कि लाश कितने दिनों में बदबू छोड़ जाती है। बता बाकी की लाशें कहां छुपा रखी है तूने? बता। मैंने अपनी बीवी के अलावा किसी का मर्डर नहीं किया। बोल, तूने अपनी बीवी का मर्डर क्यों किया? क्यों? बताता हूं इसलिए कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। जब मैं झूठे कत्ल की 1 साल की सजा काटकर जेल से घर वापस आया तो देखा मेरी बीवी पेट से थी। मैंने उससे पूछा कि ये बच्चा किसका है, तो वो मुझसे झगड़ने लगी। मैंने तैश में आकर उसका गला दबा दिया और वो मर गई। यही वो वजह थी कि जब भी किसी मर्डर का जिक्र गेस्ट हाउस में होता तो मैं डर जाता कि कहीं मैं न पकड़ा जाओ। कहानी तो तूने अच्छी बनाई है, मगर इस जस्टर ने तेरा सारा बोल खोल दिया है। तू न सिर्फ अपनी बीवी का बल्कि आसमां स्वीटी इमली और मेरे दोस्त रूमी का कातिल तू ही है। तू ही Rocky!
तुम? हाँ मैं। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये जो सारी लाशें तुमने देखी है, इन सब के मर्डर्स मैंने किए हैं। तुमने? मगर क्यों, क्यों रॉकी क्यों? क्या बिगाड़ा था इन बिचारों ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उस बिचारी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था जो तुम लोगों की वन व्हीलिंग रेस का शिकार हो गई? सात महीने तक मुझे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया। अंकल रहमान अपने मरहूम भाई की निशानी की यह हालत देख ना पाए और उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे डॉक्टर से नॉर्मल करार दिलवाकर मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलवा लिया। डीआईजी मेरे अंकल रहमान के क्लास फेलो थे, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दे दिया लेकिन पीछे लिख दिया कि मैं अब नॉर्मल हूं, अगर किसी के साथ ज्यादती करूं तो वो इन टेलीफोन नंबर्स पर मुझे इन्फॉर्म करें। अपने प्यार का इंतकाम लेने के लिए मैंने तुम लोगों की तलाश शुरू की तो पता चला तुम लोग इस शहर में हो। तुम्हारे दोस्त लकी ने तेरी दुल्हन सबीना को पानी के बजाय शराब पिला दी, इसलिए मैंने उस साथ मरे लकी को तेजाब पिला पिला कर मार दिया। वेरी गुड, न्यूज डेस्क पर बैठकर तो मैंने भी बहुत सारी कहानियां बनाई हैं, लेकिन जिस तरह प्लानिंग करके तुमने इतने सारे मर्डर किए, ऐसी कहानी तो मैं भी नहीं बना सकती। तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन लेकिन मुझे शादी के बाद। तुम वाकई पागल हो गए हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। बहुत इलाज कराए, बहुत इलाज कराए, लेकिन लेकिन मेरा इलाज तुम लोगों की बात है, बात जिन्होंने जिन्होंने मेरा मुझसे प्यार छीना था। वो एक हादसा था। हादसा? हादसे अचानक होते हैं, तयशुदा हादसे, हादसे नहीं मर्डर होते हैं, मर्डर। और जिस तरह मैं तुम्हारा मर्डर आज करूंगा। रुक जाओ रॉकी, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तू अपने होने वाले दुल्हन को गोली मारेगी? नहीं, कभी नहीं। हम दोनों कहीं दूर जाकर अपना घर बसा लेंगे, लेकिन इसको मारने के बाद Yeah.
विकी तुम ठीक तो हो? अब रात के बज गए बारह मुंडे आपस कर दे कर दे, कर दे, कर दे। अब रात